नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। एक बार फिर से बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों की, जहां पर गोरखपुर के बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर हारते हुए नजर आ रहे हैं, उनका गढ़ टूटता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं चिल्लूपार विधानसभा सीट की, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी काफी आगे चल रहे हैं और हरिशंकर तिवारी के जो बेटे हैं विनय शंकर, वो काफी पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें कि चिल्लूपार विधानसभा सीट में लड़ाई काफी टक्कर की रही, लड़ाई नाक की रही, क्योंकि एक ओर गोरखपुर के बाहुबली हरिशंकर तिवारी का वो इलाका माना जाता रहा, उस पर कहा जाता था कि उनका वो गढ़ है, उसे तोड़ पाना काफी मुश्किल रहा है, और हरिशंकर तिवारी और योगी आदित्यनाथ की जो लड़ाई रही वो भी सभी ने देखी है, सभी को मालूम है। और एक और दूसरी ओर बीजेपी को वहां पर खुद को एस्टेब्लिश करना भी बहुत बड़ा चैलेंज था और बीजेपी उस चैलेंज को निभाती हुई नजर आ रही है, लेकिन हरिशंकर तिवारी जो है वो पिछड़ गए हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से नतीजे निकल कर आते जा रहे हैं, 15,996 वोटों से आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राजेश त्रिपाठी, 72,789 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के विनय शंकर 56,793 मतों से पीछे हो गए हैं और गढ़ टूटता हुआ नजर आ रहा है हरिशंकर तिवारी का। कहा जा रहा था कि उनका गढ़ तोड़ना काफी मुश्किल है और बीजेपी ने भी लगता है इस बात को अपनी आन बान शान पर ले लिया और कड़ी टक्कर दी है, न केवल टक्कर दी है बल्कि पछाड़ भी दिया है हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर को। और यहां पर जो लड़ाई है वो बहुत ही टक्कर की हुई, जिसके बाद 15,996 वोटों का फासला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के राजेश त्रिपाठी 72,789 वोटों से आगे चल रहे हैं और विनय शंकर को 56,793 मत आए हैं। आपको बता दें कि चिल्लूपार विधानसभा सीट में जो लड़ाई मानी जा रही थी वो ब्राह्मणों के बीच की ही लड़ाई मानी जा रही थी, एक ओर बीजेपी ने राजेश त्रिपाठी को खड़ा किया तो वहीं दूसरी ओर सपा ने हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर पर भरोसा जताया और सपा को ये लगा था कि हरिशंकर तिवारी के गढ़ को तोड़ पाना काफ़ी मुश्किल है। आपको पता होगा कि हरिशंकर तिवारी और योगी आदित्यनाथ के बीच में एक अलग ही तरह की लड़ाई चलती आ रही थी और बीजेपी वाले इस बात को मान रहे थे कि वहाँ पर खुद को एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है और हरिशंकर तिवारी के गढ़ को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस बात को करके दिखाया है और लगता है कि बीजेपी की कोशिश अब लगभग कामयाबी की तरफ जो है वो पूरी तरह से बढ़ गई है। बीजेपी के उम्मीदवार बहुत आगे बढ़ गए हैं और सपा के उम्मीदवार विनय शंकर जो हैं वो पीछे छूट गए हैं। अब देखना होगा कि अंततः जब नतीजे निकल कर आते हैं तो क्या कुछ होता है। तमाम अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।